अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है वेल टाइमिंग डायग्राम ऑफ टू स्ट्रोक बैटल इंजन। तो टू स्ट्रोक बैटल इंजन आपको पता है कि वो टू स्ट्रोक में पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेता है। मतलब क्या है, जब पिस्टन हमारा, अगर मैं इसको मैं शो कराऊँ यहाँ से, जब पिस्टन हमारा TDC से BDC की तरफ मूव करता है, तो उसका मतलब उसने एक स्ट्रोक मूव किया, एक स्ट्रोक उसने कर लिया। उसके बाद जब वो BDC से दोबारा TDC की तरफ जाता है, तो उसका मतलब उसने दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट कर लिया। तो TDC और BDC क्या है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, फोर स्ट्रोक पैटल इंजन की वेल टाइमिंग डायग्राम पढ़ाते हुए। तो TDC का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, मतलब आपका जो पिस्टन है वो टॉप मोस्ट पोजीशन तक कितना जा सकता है, मतलब मैक्सिमम ऊंचा कितना जा सकता है। दूसरा हमारे पास है बॉटम डेड सेंटर, मतलब आपका जो पिस्टन है वो लोअर मोस्ट पोजीशन तक कितना जा सकता है। तो इसको बेसिकली मैंने BDC से शो किया हुआ है, मतलब कितना नीचे आपका पिस्टन जो है जा सकता है। यह हद है हमारे पास कि पिस्टन ऊपर मैक्सिमम इतना जा सकता है और नीचे आपके पास इतना जा सकता है। तो ये TDC से लेकर BDC का तो जो डिस्टेंस होता है इनके दरमियान, उसको हम स्ट्रोक लेंथ कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं। तो पिस्टन जब मूव करता है तो उसका मतलब एक स्ट्रोक, और जब BDC से TDC की तरफ किया तो दो स्ट्रोक। अच्छा, तो वेल टाइमिंग डायग्राम सिंपली है क्या कि हमारे पास जब भी वेल्व हमारे पास ओपन होता है या क्लोज़ होता है, तो उसको हम एक डायग्राम के ज़रिए दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेल्व टाइमिंग डायग्राम, जिसमें हम एक्चुअली क्रैंकशाफ्ट जो हमारी है उसकी रोटेशन दिखाते हैं। क्रैंकशाफ्ट बेसिकली क्या है, ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये हमारे पास क्या है, क्रैंकशाफ्ट। मतलब क्या है कि जो हमारे पास कनेक्टिंग रॉड की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में बदल देती है, मतलब जो क्रैंकशाफ्ट है वो रोटेशन करती है। तो कितने रोटेशन के बाद हमारे पास वेल्व खुला और कितने रोटेशन के बाद वेल्व बंद हुआ क्रैंकशाफ्ट की, तो उसको एक डायग्राम के जरिए दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेल टाइमिंग डायग्राम। अब हम चलते हैं, वेल टाइमिंग डायग्राम कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये हमारे पास है आइडियल जिसे बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल है। तो पहले हम आइडियल देख लेते हैं कि हमारे पास वेल टाइमिंग डायग्राम क्या है। बेसिकली आपको एक डिफरेंस याद रखना है कि जो टू स्ट्रोक है उसमें हमारे पास पोर्ट्स होती हैं, मतलब जो भी सिलेंडर होता है उसके अंदर हमने होल किया होता है, सुराख किया होता है, उसको हम पोर्ट्स कह रहे होते हैं। तो जहाँ से हमारा फ्यूल इनटेक हो रहा होता है, जिस सुराख के ज़रिए, उसको हम बोलते हैं इनलेट पोर्ट, और जिस सुराख के ज़रिए हमारे पास एग्जास्ट गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, उसे एग्जास्ट पोर्ट बोल रहे होते हैं। जबकि हमारे पास फोर स्ट्रोक बैटल इंजन में वेल्व्स होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि टू स्ट्रोक में हमारे पास पोर्ट्स होती हैं, जबकि फोर स्ट्रोक में हमारे पास वेल्व्स होते हैं जो कि ओपन और क्लोज कर रहे होते हैं। अब हम अगर हम देखें इसके अगर सीक्वेंस और स्टेप देखें, तो हमें आपको इधर से आसानी से समझ आ सकता है कि क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पिस्टन, हमारा अभी इधर मैंने शो किया हुआ TDC, हमारा पिस्टन अभी हमारा इस वक्त TDC पे। अब TDC से जैसे नीचे जा रहा होगा, तो आप देखेंगे जैसे मेरी अगर ये फिंगर आप देखें, तो ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिस्टन है, तो पिस्टन जैसे जैसे नीचे जा रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ एक्सपेंशन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपेंशन स्टार्ट हो गई है। अभी कहाँ तक चलेगी एक्सपेंशन, चलती रहेगी उस पॉइंट तक जब तक कि एग्जास्ट वेल्व नहीं खुलता जाता। तो एक्सपेंशन तो होती रहेगी, जैसे एग्जास्ट वेल्व खुलेगा तो क्या होगा, हमारे पास एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगी। मतलब एक्सपेंशन में मतलब सारी जो भी गैसेज होंगी वो एक्सपेंड हो जाएंगी, और जैसे ही हमारे पास ये नीचे जाएगा, तो मतलब ये हमारे पास एग्जास्ट पोर्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे एग्जास्ट पोर्ट ओपन होगा, तो जो हमारी एक्सपेंड गैसेज जो हो रही थी, जिन्होंने काम कर दिया, वो क्या करेंगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ से हमारा पास ये वाली पोर्शन है, यहाँ से एग्जास्ट पोर्ट ओपन हो जाएगी। तो ये मैंने लिखा हुआ, एग्जास्ट पोर्ट हमारी ओपन हो गई, और यहाँ से हमारा सक्शन जो हमारा एग्जास्ट स्ट्रोक क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, क्योंकि एग्जास्ट पोर्ट ओपन है। अब सारी गैसेज एग्जास्ट होंगी, बाहर निकलेंगी। अब जैसे हमारे पिस्टन और नीचे जाता, थोड़ा और नीचे जाएगा, मतलब अभी BDC तक नहीं पहुँचेगा, BDC से ऊपर ही होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफर पोर्ट भी हमारे पास क्या होगी, ट्रांसफर पोर्ट भी खुल जाएगी। उससे क्या होगा, जो इसके अंदर नीचे हमारे पास क्रैंक है, इसके अंदर फ्यूल होगा, वो क्या करेगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा, इधर से इनलेट होगा। जैसे हमारे पास यहाँ से इंटर होगा, तो जो हमारे पास एग्जास्ट से गैसेस बाहर तो निकल रही हैं, साथ हमारे पास इंटर भी गैसेस हो रही हैं। अब ये जो हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर हो रहा है, ये क्या करता है, इसको धकेलेगा किसको, जो हमारे पास एग्जास्ट गैसेस हैं उनको क्या करेगा, थोड़ा पुश करेगा निकालने के लिए, जिसे स्क्वेंजिंग भी बोलते हैं। और हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास क्या है, एग्जास्ट पोर्ट हमारे पास यहाँ से ओपन है, अब जैसे जैसे थोड़ा नीचे गए, तो हमारे पास अभी BDC तक नहीं पहुँचा, BDC से थोड़ा ऊपर ही था कि हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गई, और हमारे पास ये एग्जास्ट स्ट्रोक चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, जैसे ये BDC पे पहुँचेगी, अब यहाँ चले गए BDC पे पहुँच गई, तो हमारे पास पहले क्या हुआ, जब ये नीचे जा रही थी, तो पहले हमारे पास एग्जास्ट पोर्ट ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा और नीचे गए तो ट्रांसफर पोर्ट ओपन हुआ, और उसके बाद ये क्या हो गई, BDC पे पहुँच गई। ठीक है, अब BDC पे पहुँची, तो ये इनलेट वेल्व जो हमारे पास है, इनलेट पोर्ट कह रहा हूँ, सॉरी वेल्व नहीं पोर्ट, ये हमारे पास क्या है, क्लोज। अब क्या होगा, अब इसने जाना है, एक स्ट्रोक इसने कंप्लीट कर लिया, और हमारे दो स्ट्रोक, मतलब एक्सपेंशन स्ट्रोक भी और एग्जास्ट स्ट्रोक भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो अगला स्ट्रोक होगा, उसके अंदर हमारे पास सक्शन और कंप्रेशन दोनों
कवर हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, जब पिस्टन BDC से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जैसे BDC से ऊपर जाएगा तो ये इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ से सारी गैसेज जो होंगी, जो एयर फ्यूल मिक्सचर होगा वो इंटर हो जाएगा। तो मतलब क्या, यहाँ से सक्शन स्टार्ट शुरू हो गई है। तो जैसे BDC से थोड़ा ऊपर गया, हमारे पास क्या हो गया, सक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब जैसे 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 ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले किसको कवर करेगा, सबसे पहले ट्रांसफर पोर्ट को क्या करेगा, बंद कर देगा। मतलब क्या, अब एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर इंटर नहीं हो सकता, सही है। तो हमारे पास क्या है, जैसे BDC से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो गई। अब जैसे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा हमारे पास तो क्या होगा, ऊपर एग्जॉस्ट पोर्ट है तो एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ऊपर गया और गया तो हमारे पास क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हो गया। मतलब अब ये पिस्टन यहाँ है तो हमारे पास एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्लोज है और कौन सा, ट्रांसफर पोर्ट भी क्लोज है। तो अब पिस्टन थोड़ा और ऊपर जाएगा तो जो इसके अंदर हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर है उसकी क्या हो जाएगी, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से देखें, मैंने शो कराया हुआ इस पॉइंट पर जहाँ हमारे पास क्या, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हो गया। अब यहाँ से हमारे पास कंप्रेशन स्टार्ट हो गई और ये चलती रहेगी। जैसे ही पिस्टन TDC से थोड़ा सा पीछे होगा, मतलब क्या, TDC पे आएगा नहीं, TDC से थोड़ा सा पीछे होगा तो हमारे पास क्या होगा, स्पार्क प्लग से क्या निकलेगा, स्पार्क निकलेगा और हमारे पास इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस पे हमारे पास क्या होती है, इग्निशन स्टार्ट हो जाती है TDC से पहले। ये हमारे पास क्या है, आइडियल साइकिल में इस तरह नहीं होगा। आइडियल साइकिल में इग्निशन कहाँ स्टार्ट होगी, TDC के ऊपर ही इग्निशन स्टार्ट होगी। हम आइडियल साइकिल में ये सपोज करते हैं कि TDC के ऊपर हमारे पास इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये कब होगा, इग्निशन पहले कब होगी, वो हम देखेंगे एक्चुअल साइकिल में पहले होती है, सही है जी। तो ये हमारे पास था आइडियल साइकिल। अब हम देखते हैं एक्चुअल साइकिल में क्या होगा, उसको थोड़ा सा अगर मैं रिवर्स करूँ जाके, ये हमारे पास आ गई एक्चुअल साइकिल। इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि अगर मैं इसको देखूँ, इसी डायग्राम को चेंज करूं तो यहाँ देखें, यहाँ भी एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्ट है, यहाँ भी एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्ट है। अब मैंने बताया था आपको अर्ली ओपनिंग होती है, अर्ली ओपनिंग से मुराद है ओपन जो होती है वेल्व जो या पोर्ट वगैरह है वो अर्ली ओपन होता है और लेटर क्लोज होता है, मतलब बाद में क्लोज होता है। बाद मतलब यानी कि जैसे आइडियल साइकिल में ओपन हुआ ना, लेकिन अगर वही एक्चुअल साइकिल में देखें तो वो थोड़ा देर में क्या होगा, सॉरी थोड़ा जल्दी हमारे पास ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज की, जहां वेल्व इनलेट या ट्रांसफर या हमारे पास दूसरा कौन सा है, एग्जॉस्ट पोर्ट, जहां वो क्लोज़ होंगे आइडियल साइकिल में, तो उसके निस्बत जो एक्चुअल साइकिल है वो थोड़ा सा लेटर यानी उसके बाद थोड़ा क्लोज होंगे। तो अर्ली ओपनिंग का मतलब है जो आइडियल साइकिल है उससे थोड़ा सा पहले ही ओपन हो जाएंगे आइडियल साइकिल के मुकाबले में, और जो लेटर क्लोजिंग है उसका मतलब ये है कि आइडियल साइकिल के मुकाबले में जो एक्चुअल साइकिल के वेल्व या पोर्ट वगैरह हैं वो उसके थोड़ा बाद क्लोज होंगे। तो अगर आप देखेंगे इधर एक्सपेंशन स्ट्रोक जा रहा है, एग्जॉस्ट पोर्ट क्या हुआ, कोई 30 या 50 डिग्री BD से पहले ओपन हो गया। और यहाँ हमारे पास क्या है, यानी इस आइडियल साइकिल में तो यहाँ ओपन था ना, तो एक्चुअल साइकिल में थोड़ा सा अर्ली ओपन हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ शो किया हुआ। उसके बाद फिर ये साइकिल चलती रहेगी, उसके बाद दोबारा ट्रांसफर पोर्ट हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। तो ट्रांसफर पोर्ट ओपन जो होगा वो क्या होगा, इसके मुकाबले में थोड़ा सा पहले ओपन हो जाएगा यहाँ, तो वो मैंने थोड़ा सा पहले बनाया हुआ ओपन। और वो कितना डिग्री ओपन होगा, BDC से 30 से 40 डिग्री पहले ओपन हो जाएगा, 30 से 40 डिग्री। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है और ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो जाती है कुछ देर बाद जाके। तो जब ये पोर्ट क्लोज हो गई, ये क्या हुई है, जो हमारे पास एक्चुअल साइकिल होगी उसमें हमारे पास क्या होगा, क्लोजिंग जो होगी वो बाद में होगी, मतलब इससे थोड़ा सा बाद में जाके एक्चुअल साइकिल में क्लोज होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो गई, मतलब इसके मुकाबले में थोड़ा सा आगे जाके क्लोज हुई देर में। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर प्रोसेस चलता रहेगा और फिर हमारे पास क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होगी। यहाँ भी वही था, लेकिन यहाँ जो एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हुई उसके मुकाबले में जो एक्चुअल साइकिल है उसका एग्जॉस्ट पोर्ट थोड़ा सा इससे आगे जाके क्लोज होगा। और वो कितना आगे जाके होगा, 35-50 डिग्री कितने BDC के बाद बंद होगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही साइकिल चलती रहेगी, कंप्रेशन स्ट्रोक होता रहेगा और साथ इग्निशन जो है वो TDC पे होने के बजाय क्या होगी, उससे पहले होगी, ताकि हमारे पास कंबस्शन ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो इग्निशन हमारे TDC से कितना पहले होगी, 15-20 डिग्री पहले हमारे पास क्या होगा, इग्निशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास था वेल्व टाइमिंग डायग्राम, जो कि ऊपर वाली थी वो हमारे पास आइडियल थी, जो नीचे वाली है वो है एक्चुअल। एक्चुअल में क्या होता है, जो वेल्व ओपन होता है वो आइडियल साइकिल के मुकाबले में, आइडियल वेल्व टाइमिंग डायग्राम के मुकाबले में क्या होता है, पहले ओपन हो जाता है। और जो क्लोज होता है वो क्या करता है, आइडियल साइकिल के मुकाबले में थोड़ा सा बाद में क्लोज होता है। तो ये अपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो बाकी कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।